अगर आप इस तसारा ये रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातमा तुज़हरा लिल बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। आज का जो अमल है, अमल निकाह शादी खुब का अमल है, जो बहुत से बहन भाइयों की फरमाइश पर आपको लाइव आकर समझाया जाएगा कि आप अमल में गलती कहाँ कर रहे हैं और आप गलती क्यों करते हैं अमल में। ये तमाम चीज़ें आज आपको गाइड की जाएंगी, समझाया जाएगा, अमल का तरीका आपको बताया जाएगा, आप बिल्कुल वैसे अमल कीजिएगा। उससे पहले एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि आपकी मदद की जा सके। जो भी मसला परेशानी है आप अपनी बहन से बयान कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मुझसे जहां तक हो सका मैं ज़रूर अपने प्यारे बहन भाइयों की मदद करूंगी। यहां कोई जादू तावीज़ात नहीं होते, सिर्फ कुरान पाक से मदद ली जाती है। कुरान पाक से ही तमाम काम, सूरह मुबारक से, नक्श मुबारक से, अल्लाह पाक के वज़ाइफ और नामों से जो उनसा है सिर्फ अमल किए जाते हैं या समझाए जाते हैं या बताए जाते हैं। गलत अमलियात के लिए, गलत अमल वज़ाइफ के लिए प्लीज़ हमसे रब्ता ना करें। आप बहन की बात को मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देते हैं जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया हो इसके आंसू जारी हो जाए। तो अपने प्यारों को पाने के लिए भी आप अल्लाह पाक से फरियाद कर सकते हैं, है कोई अल्लाह के सिवा कोई मदद कर सके। अगर आप हमारे पास मदरसे में आए हैं फातिमा ज़हरा के, तो ये भी अल्लाह पाक आपको लाए हैं। अल्लाह पाक 70,000 मरतबा रहमत की नज़र से देखते हैं जो अल्लाह पाक के घर में दाखिल होते हैं। आम लोग नहीं आते यहाँ पर, आएंगे भी तो चले जाएंगे, मदद नहीं हो पाएगी उनकी। तो अल्लाह से याद, अल्लाह से फरियाद, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार, सब अल्लाह से। जब अपनी दोस्ती, अल्लाह से अपना नाता जोड़ लेंगे ना, तो फिर मुश्किल भी नहीं होगी। मैं भी दुआओं का वसीला हूँ, सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, आपके लिए इस्तखारा कर सकती हूँ, मदरसे में रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मन जाने बल्ला, अगर अल्लाह पाक ने लिखा है तो। इस अमल के लिए आपको ये नक्श पहले तैयार करना पड़ेगा। पहले नक्श को समझ लेते हैं, बिल्कुल जैसे बताया गया बिल्कुल वैसे तैयार करें। यहाँ से लिखना शुरू करें और यहाँ पर एंड करें, ठीक है। अभी 1, 2, 3, 4 खानों में नाम है, आपका नाम, आपके प्यारे का नाम, आपका नाम, आपके प्यारे का नाम, लिखना कैसे है यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। मसला हो नाम, आपका नाम, मस्जिद, यहां से फिर दूसरी लाइन शुरू होगी, फिर अपने प्यारे का नाम, फिर यहां से तीसरी लाइन शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं क्रॉप करके। तो अपनी, अपना नाम, चौथी लाइन में अपने प्यारे का नाम। जब आप नक्श ये वाला बना लें, नाम जिसके अंदर लिखना है, नाम वगैरह तैयार करें, 786 आपने लिखना जरूरी है। फिर आप जीन, सीन, स्वाद, मीम, ये भी चारों तरफ आप लिखें। फला बिन फला, आपका नाम फला, आपका नाम बिन फला, आपकी माँ का नाम, वालदा का नाम, आला हो। फिर फला बिन फला, जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। अगर उसकी वालदा का नाम आपको नहीं पता, ठीक है, अगर उसकी वालदा का नाम आपको नहीं पता प्यारे बहन भाइयों, तो अम्मा हवा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर अम्मा हवा अगर आप लिखते हैं, अगर आपको उसका भी मतलब के नाम, अम्मा हवा का जब नाम लिखते हैं, उससे उसके लिए भी आपको चाहिए कि उसके माँ का नाम, उसके वालिद का नाम आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहले माँ का नाम नहीं पता, वालिद का नाम नहीं पता, फिर अम्मा हवा आपने लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपने गौर से समझ लेनी है। जब नक्श तैयार कर ले, इसको अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा।
उसके बाद या वदूदु, उसके बाद या वदूदु। आपने या वदूदु को पढ़ने का तरीका आप सुन लें। ज़ुकात इस अमल की कोई नहीं है। इशा की नमाज को आपको शुरू करना है। इशा की नमाज के खास अल्लाह पाक मोहब्बत रखते हैं और खामोशी होती है, कोई सुन भी नहीं रहा, शोर भी नहीं होता, घर में सुकून होता है, तो फिर आप इशा के टाइम ये अमल करें। दिन कोई सा भी रख लें, मंगल का दिन ना रखिएगा, बाकी कोई सा भी दिन रख लें। अव्वल आखिर तीन बार या वदूदु या रहमानु, पहले दूसरी पढ़े, फिर या वदूदु या रहमानु 300 मरतबा पढ़े, फिर दुरूशी पढ़े। ये आपने लाजिम इस तरह ही पढ़ना है। दुरूद पाक अव्वल आखिर तीन तीन बार पढ़ेंगे। नमाज लाजिम है, कुछ भी हो नमाज ना छोड़िएगा। नमाज दीन का सतून है, अल्लाह पाक इस चीज़ को कबूल करे। आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक खुश होंगे, और जब खुश होंगे तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। अमल की तादाद 300 मरतबा है। या वदूदु या रहमानु कितने दफा पढ़ना? 300 मरतबा। ठीक है, अब आपने ये चीज मतलब ये अमल कर लिया, आपने सबसे पहले नक्श तैयार करके तकिए के नीचे रख लेना है, नाम समेत। सुबह उठ के नक्श को उठा के रख लें। ये अमल कितने दिन करना है? 3 दिन। ठीक है, 3 दिन अमल 3 दिन करना है। ठीक है, उसके बाद एक तस्वीर आपके पास अपने प्यारे की होनी चाहिए। ठीक है, तस्वीर, अगर तस्वीर नहीं है तो उसका तसव्वुर तो आपको होता ही होगा। तसव्वुर तो उसको आप समझते होंगे, तसव्वुर कैसे करना है। थोड़ी देर तस्वीर को देखें और तसव्वुर कायम हो जाएगा। थोड़ी देर तस्वीर को देखें, तसव्वुर कायम, 10 मिनट तस्वीर को देखें, फिर ये या वदूदु और या रहमानु का अमल करके तस्वीर के ऊपर फूंक मार दें, दम कर दें। ठीक है, अब ये अमल आपने जब कर लिया, आप दुआ करके आराम से सो जाएं। पहले इशा की नमाज पढ़ लें, फिर नक्श तैयार कर लें, फिर ये या वदूदु या रहमानु को पढ़ लें। 300 मरतबा पढ़ने के बाद अव्वल आखिर दुरूशी जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आप अपनी तस्वीर पर आखिर में दम करके फिर आप आराम करें, सो जाएं। बोलना नहीं, किसी से भी बात नहीं करनी, आप सो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से एक दिन में ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो जाता है। 3 दिन का इसलिए बोला है कि आपका प्यारा, जितना हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं ना, उतनी ही तलब उसके अंदर पैदा होती है। ठीक है, जब ये नक्श आप बना लें, अब नक्श जब आपका काम हो जाए, जब आपका मुकम्मल काम हो जाए, एक दिन में हो, 2 दिन में, 3rd दिन हो जाए, आपने नक्श को पानी में डालना है। पानी में ये बिल्कुल नरम पड़ जाएगा। ठीक है, कागज के ऊपर जब लिखेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा। नरम जब पड़ेगा ना, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, आप पानी में डालकर, तो जब ये पानी में ये सारा घुल जाए, कलर इसके घुल जाए, मार्कर से तैयार कर लें, मार्कर से, काले मार्कर से कर लें, सुरख मार्कर से कर लें, सबस मार्कर से कर लें। ठीक है, इनसे तैयार कर लें, फिर ये पानी में घुल जाएगा। फिर पानी में से इसको निकालें तो किसी ऊंची जगह पर रख दें, दीवार में रख दें, और पानी को दीवार के ऊपर गिरा दें। किसी, अगर आपके घर में कोई पौधा है, उसके जड़ों में डाल सकते हैं पानी, पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि भेद भी ना हो। अब ये चीजें आपने समझ ली। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती, किसी बात का आपको लगता है कि ये चीज भूल रहे हैं, यहां से आपको समझ नहीं, बहन से रब्ता कर लें, इस्तखारा करवा लें। इस्तखारा करवाने से जो भी अमल आपके इस्तखारे में आएगा वो आपके लिए बेहतर होगा, नंबर एक। नंबर दो, इस्तखारे से अगर आपके ऊपर जादू, सफीलम या कोई बंदिश ये पता लग जाती है, इसके वजह से अमल कामयाब नहीं हो रहा होता, अमल पूरा नहीं हो रहा होता। आप हजारों अमल औरों की वीडियो भी देख देख कर रहे होंगे, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसी वजह से मैंने आपको ये तमाम पूरी कोशिश किया समझाने की, ताकि आप अच्छे से ये अमल समझ लें। जब आपका काम ही नहीं हो रहा होता या आपका अमल कामयाब नहीं हो रहा होता, तो इसमें एक बात याद रखिए कि कहीं ना कहीं कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से आपका अमल कामयाब नहीं हो रहा। तब अपनी बहन से राब्ता करें, मदरसा फातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात। इसके अलावा मदरसा फातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात, इसके अलावा हमारा कोई चैनल नहीं है, ना ही कोई हमने अलाउ किया मोबाइल नंबर को। आप राब्ता कैसे कर सकते हैं? फेसबुक को फॉलो करें, इनबॉक्स में जाएं, बहन से बात करें, मैं आपसे खुद बात करूंगी, मदरसे में कोई बात नहीं आपसे करेगा। यूट्यूब पर जाएं, कमेंट्स बॉक्स में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और मजीद इस तरह के अच्छे अमल जो आपको समझ नहीं आ रहे, मैं जरूर आपके लिए बनाऊं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अमलियात सिखाऊं, आपको समझाऊं।
मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों की वीडियो देखना बंद करें, देखें, लेकिन गलत इस्तेमाल अमल को, अल्लाह के कलाम को नहीं करें। अमल करने वाला अगर वाकई ही आमिल है और वाकई ही वो दीन से जुड़ा हुआ है तो वो अल्लाह का वली है। ठीक है, अमल करने वाला आमिल, आमिल अल्लाह का वली, अल्लाह से मोहब्बत रखता है। और एक बात याद रखें, मदरसे वाले कभी भी आपको गलत अमल, गलत काम के लिए कभी भी नहीं आपको फोर्स करेंगे। यहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया जाता है, मैं एक हाफ़िज़ा आलमा और आमा होने के बावजूद मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस तरह प्यारे बहन भाई अमल करो, ये इस तरह आपके लिए बेस्ट है और बहुत अच्छा है, आप खुद करें इंशाल्लाह कामयाबी होगी, नहीं फिर अपनी बहन से रब्ता करें। डिटेल वीडियो इसलिए समझाई जा रही है कि पहली वीडियो में शायद आपको मेरी तमाम बातें समझ आ जाएं, ताकि आप रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तब भी जो उनसा है इंशाल्लाह आपकी मदद की जाए। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या इंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जज़ाकअल्लाह।